उसमें पर 0.1 मोल केसीएल सॉल्यूशन, 0.1 कितना मोल था? 0.001 था, 0.1 था, 0.1 था, आपने 0.4 लिखा था शायद, पर लेक्चर में 0.1 है। 0.1 लिख लूं। ओके सर, सर छठे लेक्चर के आगे के है क्या? नहीं, ये भी जो मैंने थ्योरी कराई है उसी का है सारा पार्ट। पहले 0.4 मोलर केसीएल था और बाद में है 0.02 मोलर केसीएल, यही है। हाँ सर यही है, पहले पहले 0.4 है, फिर चलो पहले पॉइंट 0.2 वन है, देखो। नहीं, हमें 0.02 की निकालनी। एक मिनट जाओ, क्वेश्चन के अंदर पहले 0.1 मोलर केसीएल है, बाद में 0.02 मोलर केसीएल है, और लास्ट में 0.1 मोलर केसीएल का देखा ये जाता है। 0.1 मोलर केसीएल हैज कनेक्टिविटी 1.29 0.01 है सर, इंटू टेंजर 1.29 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, 0.1 है और फिर 0.02 है, बच्चे ध्यान आप है। सर कंडक्टिविटी तो आ रही है 0.248 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, हाँ और सर मोलर कंडक्टिविटी आ रही है 12,400। चलो देखते हैं। देखो पहले मैं बात कर रहा हूँ 0.1 मोलर केसीएल, ध्यान देंगे, पहले मैं बात कर रहा हूँ 0.1 मोलर केसीएल, इसका के दे रखा है 1.29 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इसका सी दे रखा है, सी नहीं दे रखा, इसका आर दे रखा, आर दे रखा है ना इसका, हंड्रेड ओम्स, तो के इस पार्ट का ये दे रखा है, और फिर दूसरा जो सेल है वो 0.02 मोलर केसीएल, उसका के निकालना है हमें, उसका आर दे रखा है 520 ओम्स। अब ध्यान देंगे, पहले पार्ट से हम के जो सी एल वाई अप्लाई करेंगे, सी एल वाई, के है 1.29, सी है 1/100, एल बाय ए निकल गया यहाँ से 129 सेंटीमीटर वर्ड। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में और नीट में हर जगह पूछे जा रहे हैं। यहाँ से एल बाय ए आ गया 129 सेंटीमीटर इनवर्ट। अब इसकी वैल्यू सेकंड वाले पार्ट में पुट करेंगे क्योंकि सेम सेल है, इसका के निकल जाएगा, सी होगा 1/R यानी 1/520 इंटू एल बाय ए की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे 129, तो ये कितना आ रहा है यहाँ से, पॉइंट सर 0.248। टू फोर एट, चलो 0.248 को 0.25 मान रहा हूँ मैं अभी, ये आ जाएगा यहाँ से के ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, एक पार्ट हो गया। अब इसका निकालना है, इसी की मोलर कनेक्टिविटी निकालनी है, इसी की निकालनी है मोलर कनेक्टिविटी, वो क्या होगी, के हो गया 0.248 यानी 0.25 मान लिया अप्रोक्सीमेट, इनटू 1000 बाय मोलरिटी, मोलरिटी कितनी है 0.02, तो ये आंसर आ जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ध्यान रखना जो आईआईटी मेंस के पेपर आए थे उनके अंदर यूनिट्स कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट था, यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना है, उसमें मीटर में दे रखा था बस, ये दिक्कत थी। अभी किसी बच्चे को इस न्यूमेरिकल में डाउट तो नहीं है? ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। सर और एक बार बता दो सर, आंसर क्या आ रहा था देखो इसका? 0.1 मोलर केसीएल था, इसका के दे रखा है और इसका आर दे रखा है, तो के और आर दे रखा है इसका, तो के से इससे मैंने निकाल दिया एल बाय सेल कॉन्सेंट निकाल। अब कह रहा है सेम सेल को फिल किया अगर 0.02 मोलर केसीएल के साथ, सेम सेल बोलते ही एल बाय ए की वैल्यू होगी कॉन्स्टेंट, जो एल बाय ए यहाँ रखता है वो हम यहाँ यूज कर सकते हैं, इसका के निकालना है, आर इसका देखा 520, तो फॉर्मूला लगाएंगे के इनटू सी एल बाय ए, सी होगा 1/520 और एल बाय ए की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं ये वाली। ओके सर, आगे सर से समझ के आंसर क्या आ रहा था आंसर इसका? नहीं पता मेरे को, ये से फिर मोलर कंक्लूजन निकाल लेंगे, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है सर। अभी कोई डाउट किसी को? सर जो 0.1 मोलर केसीएल है ये तो डिपेंडिंग मतलब डिपेंड ही नहीं कर रहा ना क्वेश्चन पे, ये तो वैसे ही गिवन है, हाँ इसका कोई यूज नहीं, यूज नहीं है, ठीक है। आगे समझ के नहीं? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करेंगे।
व्हेन ए सेल वाज फिल्ड विद 0.02 मोलर केसीएल, इसी सेल को सेल वाज फिल्ड विद 0.02 मोलर केसीएल, कंडक्टिविटी है 0.002768, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. इट हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 82.4 ओम्स एट 298 केल्विन. अब ध्यान देना, व्हेन फिल्ड विद 0.005 नॉर्मल When filled with 0.005 normal K2SO4, it has a resistance of 324 ohms. आप कैलकुलेट क्या क्या करना है, नोट करेंगे. A, सेल कॉन्स्टेंट. B, कनेक्टेंस ऑफ 0.005 नॉर्मल K2SO4. सी, कंडक्टिविटी ऑफ 0.005 नॉर्मल K2SO4. डी, इक्विवेलेंट एंड मोलर कनेक्टिविटी of 0.005 normal K2SO4. क्या ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन सेम है, लगे सेम सेल है सर? सेम है बिल्कुल. करेंगे ट्राई.
सर सारे हो गए। किसम कुल ने किया? हाँ सर बिल्कुल आंसर बोले बोले। सर सेल सेल कांस्टेंट तो 22.58 × 10^4 है, अपने के आएगा 6.9 × 10^4 क्या दोबारा बोल। सेल कांस्टेंट कितना है? 22.58 × 10^4 22.58 × 10^4 हाँ क्यों किया तुमने? सिर्फ मल्टीप्लाई तो करना है। हम मल्टीप्लाई किया सर सिर्फ। तो फिर 10^-4 कहाँ से आ गया? एक है 82.4 हाँ और दूसरा 0.002768 तो 10^4 कहाँ से आएगा? सर मैं 2.768 × 10^2 − 4 × 8.2 करा था तो से है ना। नहीं ये तू मेरी बात सुन, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या 10^-4 हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों को, बढ़ेगा ना थोड़ा आगे। K is equal to CL by A, तो L by आ जाएगा K into R कह लो या K by C। K है 0.002768 और R कितना है 82 तो 0.28 सर वॉइस ब्रेक कर रही है। 0.22 आ रहा है क्या आएगा यूनिट कितना? यस सर 0.22 सेंटीमीटर इनवर्स। कोई डाउट किसी को? फर्स्ट पार्ट में कोई डाउट है किसी को? नो सर। चलो अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट बोल सर आवाज नहीं आ रही। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। सर तो नेक्स्ट टाइम करेंगे। देखो सर सी टू 1/r लगाना एक बार चेक करना। ये अनन्या वॉइस आ रही है क्लियर? देखो एक बार। यस सर आ रही है। चलो ये बस लास्ट क्वेश्चन करते हैं तो नेक्स्ट टाइम करेंगे क्योंकि दिक्कत आया कुछ। सी जीरो टू 1/r समझ आ गया आपसे? सी जीरो टू 1/r सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट कनेक्टिविटी ऑफ 0.005 नॉर्मल केटो सपोर्ट। देखो थर्ड पार्ट समझ आ गया है? हाँ सर। अब फोर्थ और फिफ्थ एक साथ। पहले इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी k into 1000 / normality।
के कितना है, ये वैल्यू आ गई कि ये के की वैल्यू आ गई है, कितनी आएगी अप्रोक्सीमेटली? 7 × 10⁻², इनटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इसकी 0.005, यूनिट जब लिखना ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? एन फैक्टर से मल्टीप्लाई। आगे समझ की नहीं? यस सर। ये समझ आ गया न्यूमेरिकल की? यस सर। अच्छा अभी आगे न्यूमेरिकल तो मैं अच्छे वाले करने हैं, लेकिन अभी मेरे को टॉपिक पढ़ाना है कोलरॉस को। अगर वॉइस क्लियर आ रही है तो मैं करवाता हूँ, नहीं तो नेक्स्ट टाइम करें। सर अभी तो क्लियर आ रही है। चलो अगर वो कल तक ट्राई करना, खत्म कर लिखना कल या परसों को भी, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को लेक्चर तक? जरूर पढ़ के रखना, टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। हाँ बोलना किसी को कुछ? तो कौन से लेक्चर तक करने हैं? आपने क्या बोला अभी? मैंने लेक्चर जो भेजे हुए हैं सारे वो खत्म करने हैं सारे। हाँ सारे लेक्चर खत्म करके रखो परसों तक। ओके सर। ओके सर। परसों तक जरूर ग्रुप में भेजो जल्दी जल्दी जितना हो सके। हाँ ग्रुप में भेजो। ओके थैंक्स। करते हैं।